दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एकदम से आखिर तक देखिएगा। सारे बात ठीक से सुन के डाउनलोड करें प्लीज़, वीडियो को स्किप ना करें। सारे स्टेप देखना बहुत ही ज़रूरत है और जानना बहुत ही ज़रूरत है, जो कि मैं अभी फिलहाल आगे 2 मिनट में बताने वाला हूँ। सो विदाउट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल मैं बताना चाहूँगा, लावा V7 जो फ़ोन का मैं आज टीयर लू रिकवरी आपको देने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, फ्लैशिंग प्रोसेस। सो आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये टीयर लू अपनी रिकवरी है। रिकवरी क्या है आपका नहीं जानते तो इस वीडियो को अब छोड़ दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब जानने की। अभी फिलहाल आपको अलग से पहले ये जानिए कि टीयर लू रिकवरी या कस्टम रिकवरी क्या होता है, वो जान के उसके बाद ये वीडियो को देखो। और वीडियो आप अगर जानते वीडियो के सारे बारे में, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो ये लावा V7 फ़ोन है, ये फ़ोन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो TWRP रिकवरी तो काफ़ी अच्छी रिकवरी है, जो कि टच रिकवरी है। तो आपको इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप नीचे लिंक दिया है उनसे डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसका जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो आप देख के फ्लैश करें तो ही अच्छा होगा। तो नीचे मैंने ADV का लिंक दिया है, वो आप सबसे पहले उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद अपना जो लावा फ़ोन है, सबसे पहले आप गूगल पर जाकर ऐसा सर्च कीजिए लावा मोबाइल्स ड्राइवर। तो लावा मोबाइल ड्राइवर करके ऐसा सर्च करने के बाद लावा मोबाइल्स के कुछ ड्राइवर्स आ जाएगा, तो वो ड्राइवर से अपने फ़ोन में या सॉरी अपने कंप्यूटर में आप इनसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर इंस्टॉलिंग ड्राइवर, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ST Flash Tool इंस्टॉल। तो ST Flash Tool इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो टोटल एक इंस्टॉल फाइल ही होता है। तो मैं उसका भी लिंक नीचे दिया है, तो उसे आप डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ पर TWRP रिकवरी को भी डाउनलोड करें। सही फाइल डाउनलोड करने के बाद आप ST Flash Tool को ओपन किए, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जो फाइल TWRP मैंने दिया है उसे लोकेट करें। तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रोसेसिंग सारे कर, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर फ्लैश नहीं कर रहा सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि मेरे पास लावा V7 नहीं है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो नीचे मुझे कमेंट करके बोले, मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, फेसबुक पे जाकर मुझे DM कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाकर फॉलो किए, और मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं नीचे दे चुका हूँ, तो उसे जाकर जल्दी से फॉलो कर ले। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सारे प्रोसेस मैं दिखाया अभी फिलहाल, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस दिखा रहा हूँ फिलहाल, वो सारे प्रोसेस एकदम मतलब लीगल प्रोसेस है और इसे कर सकते हैं आप कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे पहले आपने फ़ोन का एक बैकअप लीजिए, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा प्रोसीड्यूर आपको करने से पहले आपका फ़ोन का एक अच्छी तरह से सारे फाइल्स का एक बैकअप लीजिए अपने PC के अंदर। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, आपके पास अगर PC नहीं है, आपका फ़ोन रूटेड है, आपने किसी तरह से फ़ोन को रूट कर लिया है, तो उसमें एक प्रोसेस आता है कि आपको फ्लैश करने के वो बहुत तरीके होते हैं, फ्लैश करने के वो अलग से कोई वीडियो में, या आप चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। पर यहाँ पर आपका फ़ोन अगर रूटेड नहीं है तो आपका PC एकदम जरूर, मतलब PC छोड़ के और कोई मेथड यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है, PC आपको लगेगा। तो PC यहाँ पर अगर अवेलेबल है आपके पास तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टिप्स है जो कि मैंने दिखाया अभी फिलहाल, सभी प्रोसेस काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो इजी टू डू है ये, कोई ज़्यादा मतलब टफ वाली बात नहीं। जैसे कि आपने देखा है फिलहाल, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सारे प्रोसेस समझ चुके हैं। अगर अभी तक कोई भी प्रोसेस आपने नहीं देखा है, कोई भी प्रोसेस नहीं समझा है, तो मुझे जल्दी से DM करें इंस्टाग्राम फेसबुक और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका अगर ये प्रोसेस नहीं होता है, मतलब इससे आपका काम नहीं होता, तो मैं अलग कोई वीडियो में आपको दिखा दूंगा और एक जो प्रोसेस आता है उसके बाद, अगर जिस तरह के प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हैं। पर यहाँ पर आपका फ़ोन भी अगर कुछ भी हो जाए, आपके फ़ोन के अंदर ब्रिक्ड हो जाए, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूँगा, वो आप ही खुद, क्योंकि आप खुद कर रहे हो। कोई स्टेप्स शायद मिस कर दिया आपने, या आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गया। मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे पास लावा V7 नहीं है, फिर भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाल ही में एक कमेंट आया कि इसके ऊपर भी कर दो, तो मैंने अभी ये वीडियो बना दिया। तो आपके लिए ये वीडियो है, आपके लिए सारे सिस्टम, सारे जितने फाइल्स मैंने दिए हैं वो फाइल्स आपके लिए है, तो आप इसे डाउनलोड करें अभी फिलहाल जाकर, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका वीडियो देखे ना देखे आपके ऊपर है इस टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लिया गया तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया, और हमारे सारे सोशल मीडिया साइज इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सारे जगह फॉलो कर ले, हम नीचे मैंने लिंक दिया है सभी का। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अनदर वीडियो। आई एम मिस्टर टेक ब्रो, साइनिंग ऑफ।